बिलासपुर में हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ की राज्य समिति की बैठक प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में संघ ने सरकार से नई पेंशन नीति को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना को तुरंत बहाल करने की मांग की। साथ ही संघ ने कहा कि जब तक नई पेंशन व्यवस्था लागू नहीं होती है तब तक सरकार से उत्तर प्रदेश, राजस्थान व केंद्र सरकार की तर्ज पर यदि किसी एनपीएस कर्मचारी की मृत्यु हो जाए तो उस दशा में पुरानी पेंशन व्यवस्था के अनुसार देय पेंशन लाभ दिए जाएं। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने गत 4 वर्ष पूर्व सरकार द्वारा कर्मचारियों से एनसीपीएस के लाभों को छीनने संबंधित निंदा प्रस्ताव भी पारित किया। उन्होंने वर्तमान प्रदेश सरकार से उम्मीद जताते हुए कहा कि नई सरकार शीघ्र ही 4/9/16 एनसीपीएस को लागू करेगी। बैठक में उपस्थित संघ के पदाधिकारियों ने 7/4/2018 को शिक्षा सचिव, 1/5/2018 को शिक्षा मंत्री के साथ हुई बैठक पर विस्तृत चर्चा भी की तथा मांगों पर 30 जून तक कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी जताई। बैठक में उपस्थित संघ के पदाधिकारियों ने सरकार द्वारा एसएमसी नीति के तहत शिक्षकों की नियुक्ति का भी विरोध जताया तथा कहा कि शिक्षकों की भर्ती कर्मचारी चयन आयोग से ही की जानी चाहिए। उन्होंने सरकार से विभिन्न वर्ग के शिक्षकों की वरिष्ठता सूची शीघ्र तैयार करने की मांग भी की। बैठक में अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इस बैठक में संघ ने सितंबर माह में संघ की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण जयंती समारोह मनाने का निर्णय लिया। इससे पहले संघ ने सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षकों को भी सम्मानित किया। चीज को मैं सरकार, वर्तमान सरकार को इच्छित करना चाहता हूं कि पिछली सरकार अगर गिरी है तो एनपीएस और 4/9/14 के मुद्दे पर गिरी है, 4/9/14 और एनपीएस के मुद्दे पर गिरी है। कन्वेंशन हम जरूर करेंगे लेकिन माननीय मुख्यमंत्री वहां पे ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करें, ओल्ड पेंशन स्कीम को वहां पे लागू करें, उसकी घोषणा करें। पहले उनसे बात कर लीजिए शिमला में कि अगर आप आएंगे कि आप 4/9/14 और ओपीएस का जो हमारा एक बर्निंग इश्यू है, क्योंकि इस आजीवन हम तो इस व्यवस्था को हमें चेंज करना है। जो हमारा पैसा है उसका ही पता नहीं है कहां जा रहा है, एनपीएस का पैसा कहां जा रहा है,